So, hey there boys and girls and welcome back again with a new video and guys, Pokemon Journeys का episode 134 जो कि basically Project Mew का second part होने वाला है। उस episode के अंदर Groudon, Kyogre, Mew सब रहने वाला है and guys, उस episode के अंदर Go basically Mew को पकड़ने वाला है। जी हाँ guys, उस episode के अंदर Go Mew को पकड़ने वाला है। इससे लेकर कुछ leaks आ चुके हैं and guys, ये leaks जिस source से है guys, वो जो 100% confirm होता है। इसे leaks से अच्छा मतलब 100% confirmation होता है कि ये leaks सही होंगे because guys, ये लीक जहां से आए उनका नाम है गाइस एनीमे पोकेमॉन न्यूज एंड गाइस ये पोकेमॉन जर्नी से रिलेटेड एकदम 100% सच्चे लीक्स देते गाइस। मतलब गाइस पिछले हफ्ते यानी कि जो इस फ्राइडे को एपिसोड 133 जिसके लास्ट में स्पीगाटिटू अपीयर्ड हुआ, ये इन्होंने बहुत पहले यानी कि पिछले हफ्ते इन्होंने मतलब कहा था कि एपिसोड 133 में स्पीगाटिटू अपीयर होगा एंड गाइस वैसा ही हुआ। इनको पहले से काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही पता होती है। इन्होंने पहले ही कहा था कि उस एपिसोड में बहुत सारे कैमियो होंगे एंड गाइज वो कैमियो भी हुए थे, तो इनके जो लिक्स होते गाइज वो 100% एक्यूरेट एंड सही होते हैं। एंड गाइज रिसेंटली इन्होंने ये ट्वीट किया म्यू वाई एंड गाइज उसके नीचे म्यू एंड इसका मतलब म्यू ऐसा तुमने क्यों किया। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे जो गाइज बहुत सारे मतलब जो थियरीज बनने मतलब स्टार्ट हो गए कि बेसिकली गो म्यू को नहीं पकड़ने वाला, बल्कि म्यू खुद गो को कहेगा कि मुझे तुम्हारे साथ आना है। यानी कि गाइज म्यू ने बेसिकली गो को उसका एज अ ट्रेनर चूज करने वाला है यार, इसलिए यहाँ पे उन्होंने मतलब उसने डाला है म्यू वाई यानी कि म्यू क्यू। तो गाइज बेसिकली म्यू जो है पागल हो चुका है यार, वो जो है मुझे पता नहीं उस एपिसोड में क्या होगा, लेकिन गाइज म्यू जो है गो को कहेगा कि मुझे तुम्हारे साथ आना है, यानी कि म्यू ने अपना ट्रेनर गो को चूज किया है। बेसिकली ऐसा होने वाला है उस एपिसोड के अंदर एंड गाइज ये बहुत बुरी बात है यार। मतलब यार म्यू यार वो कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जिसने म्यूटो को टक्कर दी एंड गाइज वो अब इसके साथ जाने वाला है यार। तो गाइस वो एपिसोड आने के बाद मुझे पता है गालियो की बरसात होने वाली गो के ऊपर, तो तब तक के लिए हम वेट करेंगे उस एपिसोड में जब आएगा, उसके बाद मैं अपनी भड़ास निकालने वाला हूँ। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो गाइस ऐसा होने के बहुत सारे चांसेस है, तो कमेंट के अंदर अपना ओपिनियन बता देना एंड गाइस मुझे लगता है ये जो सुईकोन की तरह होगा, बेसिकली गो उसे पकड़ेगा लेकिन वो उसे छोड़ देगा, यानी कि वो मतलब कहीं भी जा सकता है लेकिन उसकी पोकेबॉल गो के पास रहेगी। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।